नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। पिछले 3 महीने बाद देश में करीब 29,000 कोरोना केस दर्ज किए गए, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 28,903 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 188 मरीजों की जान गई है। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को देश में 30,254 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 हो गए। वहीं अब तक कुल 1,59,044 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 1,10,45,284 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे। पिछले 24 घंटे में 17,741 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,34,416 पहुंच गई है, जिनका इलाज जारी है। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो ये 96% से ज़्यादा है, तो वहीं मृत्यु दर 1.39% के करीब है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 78% से ज़्यादा केस इन 5 राज्यों से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत महाराष्ट्र की है, जहां मंगलवार को 17,864 नए मामले सामने आए और 87 लोगों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,00,000 से ज़्यादा पहुँच गए हैं। मृतकों की संख्या 52,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कई जिलों में कर्फ्यू तो कई लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं केरल में मंगलवार को 1,970 लोग कोरोना संक्रमित मिले, 2,884 मरीज ठीक भी हुए हैं और 15 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 10,94,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10,63,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,423 संक्रमितों ने जान गंवाई है। गुजरात में भी कोरोना में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक दिन में राज्य में 954 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 703 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। राज्य में अब तक 2,80,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान का हाल भी गुजरात की तरह ही है। यहाँ भी पिछले 24 घंटे में 241 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 151 मरीज ठीक हुए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 3,23,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,18,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को 425 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 257 मरीज ठीक हुए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 6,44,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 6,30,000 से ज़्यादा लोग ठीक होने में सफल रहे, जबकि 10,945 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर 16 मार्च तक देश भर में 3,50,64,000 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 21,17,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।